भागलपुर की सड़कों पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। ट्रैफिक की वजह से लोगों को अक्सर लंबे जाम में जूझना पड़ता है। हालांकि अब शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस कप्तान बाबूराम ने अलग तरीका अपनाया है। लोगों को जाम के झाम से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने कई सख्त कदम उठाए हैं। ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए SSP बाबूराम ने दंगा निरोधी दस्ते के आधे बल को तिलका मांझी चौक पर प्रतिनियुक्त भी कर दिया है। साथ ही SSP ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जवानों के सहयोग से रोजाना तिलका मांझी चौक पर वैसे ऑटो और टोटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करें जो चौक पर ही वाहन रोक कर यात्री बैठाते हैं। SSP ने बताया कि बीच चौक पर वाहनों के रुकने से वहां जाम लग जाता है। उन्होंने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। साथ ही SSP बाबूराम ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वरीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने सभी वरीय अधिकारियों को रोजाना सुबह और शाम आधे घंटे शहर का भ्रमण करने और ट्रैफिक का जायजा लेने को कहा है। CTSP स्वर्ण प्रभात, SSP शुभम आर्य और DSP को निर्देश दिया है कि वे भ्रमण के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में जहां भी कमी देखे उसमें सुधार के लिए अधीनस्थ पदाधिकारी को निर्देशित करें। इसके अलावा NH80 पर ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और अधिक रफ्तार में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को भी कहा है। बाबूराम ने बताया कि वाहनों पर आगे एवं पीछे नंबर प्लेट नहीं रहने पर कार्रवाई की जाएगी और नई गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर उसे जब्त करते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश भी उन्होंने दिया है। SSP ने अधिक दुर्घटना वाले स्पॉट को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों के निराकरण करने की भी बात कही है। वहीं तेज गति वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 3 स्पीड रडार गन को लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान अब हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काटा जाएगा। इतना ही नहीं, 3 बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर इनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। जबकि शहर में अवैध पार्किंग कर जाम का कारण बनने वाले वाहनों को उठाने के लिए 2 टोइंग वाहनों का लगाए जाने का निर्देश भी SSP बाबूराम ने दिया है। वहीं हेलमेट नहीं पहनने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने, ओवर स्पीड में वाहन चलाने और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामलों में सख्ती से कार्रवाई का टास्क पुलिस कप्तान बाबू ने सभी थानेदार को दिया है। सर, ट्रैफिक को लेकर के सुधार को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? ट्रैफिक की समीक्षा हम लोगों ने शुरू की है। जैसे तिलका मांझी चौक है, ऐसे कुछ चौराहे पे हम लोगों ने पाया है कि वहाँ पर टेम्पो है जो चौराहे के एकदम नज़दीक में रोक कर सवारी बिठाते हैं, उतारते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश फोर्स को दिया गया है।